हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, काट पीट के ना देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है मेरे प्रियो। आज मसीहत सिर्फ नाम की मसीहत रह गई है। आज मसीह कहने को तो कह देते हैं भैया कि मैं तैयार हूँ, मगन के दिल और दिमाग में झांक कर देखो, वही सारी गंदगी, वही सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को आज जरा भी डर नहीं लग रहा है, ना तो उस अनंत काल की आग से, ना तो परमेश्वर के कहर से मेरे प्रियो, क्योंकि अंत निकट है मेरे प्रियो। रैप्चर कभी भी हो सकता है, किसी घड़ी भी हो सकता है। यहाँ पे छूट मत जाना, वरना जो कोई यहाँ पर छूट जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा मेरे प्रियो। पानी की जगह खून पीना पड़ेगा, प्रकाशित वाक्य में इसका उल्लेख दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। याद रखना, अगर किसी दिन अचानक आपकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, अगर बिना उद्धार ही के मर गए तो आपको सीधा सीधा नरक में जाना पड़ जाएगा मेरे प्रियो। मैं खुल कर कहता हूँ, 100% कहता हूँ, जिसको चलन में रहना है रहे, वरना मन करता है निकल जाए मेरे प्रियो। कि समय थोड़ा ही बचा हुआ है मेरे भाइयों और बहनों, और इस समय लोग भरमाने वाली शिक्षाओं को फैला रहे हैं, लोगों को उद्धार में से रोकना चाहते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो, रैप्चर में यीशु मसीह के साथ वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे, जो धर्मी होंगे, वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। बाकी सब यही छोड़ दिए जाएंगे जिंदा जलने के लिए और खून पीने के लिए। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको पता ही होगा कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने परमेश्वर के वचन को पढ़िए। यीशु ने कहा था, तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। इसलिए आप लोगों के बहकावे में ना आए मेरे प्रियो, अपना मन फिरा लीजिए, क्योंकि अंत निकट है मेरे प्रियो। रैप्चर कभी भी हो सकता है, किसी घड़ी भी हो सकता है। यीशु ने कहा था, तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मैं आ जाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु ने कहा था, प्रभु यीशु ने एक बात कहा था, सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार हो जाए और मतवालेपन हो जाए और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना पड़े मेरे प्रियो, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो मेरे प्रियो, ताकि तुम इन सामान्य घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, अभी समय है, परमेश्वर ने आपको समय दिया है, इस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, पूरा पूरा समय परमेश्वर को दीजिएगा। यीशु ने कहा था, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको उससे क्या लाभ होगा मेरे प्रियो। मान लिया मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और मैं मरकर नरक में ही चला जाऊँ तो धन दौलत तो पैसा और शराब किस काम की और शांति किस काम का, यदि मैं अपनी आत्मा को नाश कर दूँ ना बचा पाऊँ मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वह हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है मेरे प्रियो। अब परमेश्वर की क्या इच्छा है आपको पता ही होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपना समय प्रभु को दीजिए, क्योंकि यीशु आने वाले हैं। जागो, कब तक पापों की नींद में खोए रहोगे, सोए रहोगे मेरे प्रियो। कहीं उन 5 मूर्ख कुमारियों की तरह मत बन जाना, उन 5 समझदार कुमारियों की तरह तैयार रहना, ठीक है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाना। याद रखना, जब यीशु आएगा तो उसके साथ वही लोग जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो निष्कलंक होंगे, है ना, जो तैयार होंगे, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे मेरे प्रियो। तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।